नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो मुद्दा है चर्चा का, वो है चाय। जी हाँ, चाय हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, चाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है और कितनी नुकसानदायक है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चाय जो है एक प्लांट की पत्ती को सुखा के और उससे उसको बनाया जाता है, जिसको फिर हम लोग यहाँ हमारे देश भारत में हम उसको पानी के साथ उबाल कर और उसमें चीनी और दूध के साथ मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही हमें देखना है। बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चाय में 2-3 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लाभदायक हैं, नुकसानदायक नहीं है, बहुत लाभदायक हैं वो, और वो बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और उनके प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, रोकथाम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको दूध और चीनी, दूध में भी एक केमिकल होता है और चीनी में जैसे सल्फर होता है, इस टाइप के 2-3 केमिकल से जब वो चाय की पत्ती में जो होते हैं एंजाइम्स, एक तरीके से आप उनको बोल सकते हैं या एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं, जब वो इनके साथ मिलते हैं तो वो एक अलग ही केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, जिसका नुकसान सीधा सीधा हमारे पेट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी हड्डियों, हमारे लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, इन पर होता है। यही कारण है कि पिछले 30-40 या 50 सालों में जैसे जैसे चाय का चलन बढ़ा है, आप देखते जाइए, ये जो जितने अंग मैंने बताए हैं इनसे जुड़ी बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं देश में। शुगर के बीमार कितने हो गए हैं, हार्ट के बीमार कितने लोग हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल कितने लोगों को हो गया है, हड्डियों के रोग कितने बढ़ गए हैं। चाय और चीनी के मिक्सचर से एक और खतरनाक पदार्थ बनता है फ्लोराइड, जो हड्डियों को बिल्कुल बर्बाद कर देता है एक तरीके से। तो जब से चाय पी रहे हैं तब से देखिए आप भारत में दांतों की कंडीशन क्या है, हड्डी के रोगों की, कमर दर्द की स्थिति क्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते जाएं, आज आप लगाइए कि लगभग 10 करोड़ लोग भारत में शुगर की गोलियां खा रहे हैं और हर चौथे पांचवे आदमी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बीमार है, जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है। 10 लोगों में से आप 10 लोगों के 30 और 50 साल के बीच के 10 लोगों के टेस्ट कराइए आप, जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, आपको 3-4-5 लोगों में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, 3 में तो मिलेगा ही मिलेगा 10 में से। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, पैनक्रियाज पे बहुत ज्यादा लोड आता है चीनी को पचाने में। तो चाय पीनी है या नहीं पीनी है ये आपको डिसाइड करना है। ये तो सेहत वाला जो खेल था जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो खर्च होता है इस पे, वो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। लगभग आप मान के चलिए 1,00,000 करोड़ रुपए भारत के लोग चाय पे खर्च करते हैं एक साल में, जो किसी भी एक मंत्रालय का बजट है। ये तो चाय के लिए हो गया, फिर चाय से होने वाली बीमारी के लिए भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए लोग फिर खर्च करते हैं इससे होने वाली बीमारी से बचने के लिए या उसको ठीक करने के लिए। बचना तो दूर की बात है, ठीक करने के लिए। अब और भयानक स्थिति पे आते हैं, जो बहुत बुरे तरीके से भारत में फैल रही है, वो है मोटापा चाय की वजह से। कैसे? लगभग 1 कप चाय में जो हल्का मीठा पीते हैं, मतलब ना कम ना ज्यादा, बीच का मीडियम जो मीठा पीते हैं, 1 कप चाय में लगभग 150 कैलोरीज होती है। और ऐसा देखा गया है कि 4 से 5, कुछ लोग 6 बार भी, लेकिन 4 से 5 बार, 4 बार तो मान ही सकते हैं आप, चाय पीने वाला आदमी 4 बार दिन में 4 कप चाय पी लेता है, यानी कि लगभग 600 से 700 कैलोरी। अगर वो तेज मीठा पीता है तो इससे भी ज्यादा, लगभग 1,000 कैलोरी आप मान सकते हैं। 1,000 कैलोरी वो ऐसी चीज से ले रहा है जिससे उसको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है, उसके शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। उसके शरीर को मिल रहा है दाल से, रोटी से, चावल से, गुड़ से, इससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब एक आदमी को
क्योंकि पेट तो इससे भर नहीं रहा, तो पेट भरने के लिए तो वो खाएगा ही उतना ही। मतलब जैसे आपने दोपहर को लंच किया और लंच आपने ठीक अच्छा लंच किया, तो लगभग 1500 कैलोरी आपने या 1000 कैलोरी आपने कंज्यूम कर लिया लंच के थ्रू। फिर आधे घंटे बाद आपने एक कप चाय पी लिया। ऐसे ही आपने सुबह को किया, सुबह खाली पेट भी पिया, ब्रेकफास्ट के साथ भी पिया, ब्रेकफास्ट के बाद में भी पिया, फिर दोपहर को ऐसे ही, फिर आपने शाम के टाइम किया। तो जो जो खाने के थ्रू आपको जितनी कैलोरी चाहिए, अगर आप काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, तो 1500 से 2000 कैलोरी जो आपको खाने से मिल रही है वो तो है ही, प्लस 1000 कैलोरी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और बर्न वो हो नहीं रही है क्योंकि काम तो बहुत कम हो गया है। तो फिर देखिए वो कहाँ जाएंगी कैलोरीज, वो कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होंगी, फैट से मोटापा बढ़ेगा, मोटापे से फिर सारी बीमारियां आती है आपको, मोटापे से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी, मोटापे से शुगर की बीमारी होगी, मोटापे से थायराइड की बीमारी होगी, मोटापे से हड्डियों के रोग बढ़ेंगे, घुटनों में दर्द होगा, घुटने खराब होंगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी खराब होगी। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी बीमारी पैदा कर रही है एक चीज। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको लगता है, तो आप उसको बिना चीनी के और बिना उसके पीजिए, ब्लैक टी जिसको बोलते हैं, एक आध बार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो गर्म होती है, हमारा देश की प्रकृति वैसे ही गर्म है। चाय जब आप छोड़ेंगे, ये बात पक्की है कि आपको महसूस होगा, आप ये फील करेंगे कि आपको सर में दर्द हो रहा है, आपका शरीर उठ नहीं रहा है, ऐसी कंप्लेंट आप करेंगे, और ये होगी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये कंप्लेंट आप करेंगे, आपको होगी भी, लेकिन आपको ढीठ बन जाना है छोड़ने के लिए। दूसरा, इसके सबॉर्डिनेट जो इसके एक तरीके से जो इसके पैरेलल आप दूसरी टी, हर्बल टी स्टार्ट कर सकते हैं, घर में बनाइए उसे भी, इलायची, सौंफ, अदरक, दालचीनी, ये सब का छोटा सा पाउडर बनाइए, तीन चार चीजें हैं ये, लौंग डाल लीजिए, एक आधी उसमें लौंग डाल लीजिए, इसमें आप फिर चीनी मत डालिए, चीनी तो आपको लेनी नहीं है, क्योंकि फिर वो उतनी कैलोरी हो जाएगी। आप कोशिश करें इसमें बहुत कम डालें, और अच्छा होगा कि आप इसको जो जो बताया मैंने, आप चाहें तो मेरी YouTube चैनल पे इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा कैसे बनता है वो भी मैंने डाला हुआ है, नीचे गर्म करके उबाल के नीचे आधी चम्मच शहद डाल लीजिए उसमें, आधा चम्मच, 50 से 60 कैलोरी आपको मिलेंगी, और वो इंस्टेंट एनर्जी देंगे, प्लस बर्न भी जल्दी हो जाएंगी, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये चीजें मैंने बताई हैं आपको, अब आपको देखना है कि आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है, और आपको चाय पिलानी है या नहीं पिलानी है। हालांकि ये मामला जो है सबके होम मिनिस्टर का है, मतलब सबके घर में औरतें जो होती हैं उनका है, और वो किसकी बात कितनी मानती हैं इस पे डिपेंड करता है। हाँ, हम अपना अपने आप को समझाएं, पहले हम खुद रुकें, फिर बाद में देखते हैं उनको भी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।